Okay, now we move towards fifth part of question number 2. 64x raised to power 8 and plus y raised to power 8. Similar question है first part का. इसमें 64x 8 जो है वो square है किसका? 8x 4 का. Understand? Convert into squaring. And plus y 8 जो है square है y 4 का. तो middle term हमारे पास क्या होने चाहिए? 8 to the 16x 4 y 4. So we can add. We add and subtract. Subtract 16x 4 y 4 to make it perfect square. ठीक है? We can add and subtract 16x 4 ताकि हमारा ये perfect square बन जाए. 16x 4 y 4 add करने पर दोनों हो जाएगा x raised to power 4 whole square plus 16x 4 y4 जो कि हमने अपने से ऐड किया है प्लस थर्ड टर्म आपकी क्या हो गई y4 रेस्ट स्क्वायर और फिर प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में डिफरेंस ना आ जाए. 16x4 y4 को माइनस भी किया. अब क्वेश्चन 1 की तरह से बिल्कुल फॉर्म में आ गया है. फर्स्ट थ्री टर्म्स होल स्क्वायर है किसका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में है ये. तो 8x4 प्लस y4 का होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड? माइनस 16x रेस टू पावर 4 प्लस y4 किसका स्क्वायर है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर का. अंडरस्टैंड? इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में. अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी. अंडरस्टैंड? सो इस स्क्वायर फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x4 प्लस y4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज 8x4 प्लस y4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर. यही आपका आंसर है. फाइनल आंसर है. क्वेश्चन इज सिक्स्थ पार्ट r4 प्लस 4s4. सिमिलर क्वेश्चन है. बिल्कुल आप पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा फिर मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. स्क्वायर में कन्वर्ट करने पर हमारे पास ये हो रहा है आर स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर है 4s4 स्क्वायर है किसका? 2s स्क्वायर का स्क्वायर. हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2 टू जा 4 4 आर स्क्वायर एस स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे एंड देन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे. तो ये आप लोग का टास्क है. ये आप आगे खुद कीजिएगा फॉलो करते हुए लास्ट के क्वेश्चन. नाउ द सेवन पार्ट. द सेवन पार्ट इज 16 ए 4 माइनस 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी 4. ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म गिवन है लेकिन मिडिल टर्म क्या गिवन होने चाहिए ये हमें नहीं पता. ये हमें देखना है. 4a4 का 4a स्क्वायर का स्क्वायर है 16a4 ये तो सही ही है. फिर 81 स्क्वायर है 9b स्क्वायर का. 81b4 इज द स्क्वायर ऑफ 9b स्क्वायर. ये भी करेक्ट है. मिडिल टर्म आपके पास क्या होनी चाहिए? माइनस 2ab. ए आपके पास 4a स्क्वायर है और बी आपके पास 9b स्क्वायर है. ठीक है? ए ये है बी ये है. अब यहाँ क्या होना चाहिए? 9 4 जा 36 36 2 जा 72. अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ आपका क्या होना चाहिए? माइनस
72, लेकिन यहाँ है -97, तो हमें यकीनन 25 को और ऐड करना पड़ेगा ताकि 97 हो। तो -72 और -97 में से 72 माइनस करेंगे 25, तो आपके पास यहाँ -25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो ये बैलेंस होगा, यानी -72 -25 इक्वल टू -97। माइनस माइनस ऐड होते हैं, ठीक है। 72 -25 ये क्या बन जाएगा, -97। तो अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया जो ऊपर गिवन था, अब हमने उसको बिल्कुल सेम कर दिया, क्योंकि 72 यहाँ है, -25 करके -97 हो गया। अब बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है होल स्क्वायर है, किसका, ए आपके पास 4 ए स्क्वायर है, माइनस है फॉर्मूले में तो यहाँ माइनस ही होगा, बी आपके पास 9 बी स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो गया, और -25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर है 5 ए बी का, अंडरस्टैंड, ये 5 ए बी का स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे और आंसर देंगे। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए आपके पास 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर है और बी आपके पास 5 ए बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी एक्सपेंड इट, ए 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर माइनस 5 ए बी फर्स्ट ब्रैकेट, एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर प्लस 5 ए बी, यही आपका आंसर है। नाउ 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज द सिमिलर पार्ट ऑफ 7th पार्ट, 9x4 माइनस 28x² z² प्लस 16x⁴। देखें ये बिल्कुल सिमिलर है 7th पार्ट के, हम चेक करेंगे कि क्या चीज जो है वो बैलेंस करनी है यहाँ पे। 9x4 स्क्वायर है 3x² का, ठीक है, और 16x4 स्क्वायर है 4x² का, अंडरस्टैंड। मिडिल टर्म क्या होने चाहिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2a एंड b, a आपके पास है 3x² एंड b आपके पास है 4x², तो 4 3 12, 12 2 24 x² z² होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने x² लिख लिया, ये z² है, 24x² z² होना चाहिए, लेकिन यहाँ है -28, तो हमें -4 करके बैलेंस करना पड़ेगा, 4x² z² माइनस करेंगे तो ये बैलेंस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर अब हमारा क्वेश्चन बैलेंस है बिल्कुल। अब देखें 7th पार्ट की तरह 4 फॉर्म्स आ गई हैं और फर्स्ट 3 फॉर्म्स होल स्क्वायर हैं, किसका, 3x² माइनस 4x² का 4z², मैं x की जगह z लिख रही हूँ, और माइनस 4x² z² किसका स्क्वायर है, 2xz का, अंडरस्टैंड। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करिए और आंसर दीजिए। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, द क्वेश्चन इज x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz प्लस x प्लस y प्लस z। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन डिफरेंट है, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करूंगी। सॉल्यूशन में x² एज इट इज रहेगा, माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस y² हो गया प्लस y², ठीक है, माइनस z² हो गया प्लस z², मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूंगी, 2yz पहले लिखूंगी और z² बाद में लिखूंगी ताकि आंसर में डिफरेंट ना है, ठीक है। प्लस 2yz पहले लिख दिया मैंने अरेंज करके, और माइनस z² हो गया प्लस z², अंडरस्टैंड, और प्लस x
प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहा लास्ट में. अंडरस्टैंड? अब देखें वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है. ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का वेरिएबल डिफरेंट है यहाँ पे. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर. अंडरस्टैंड? इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि इसी के एक्सपेंडेड फॉर्म है ये वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर. तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहा लास्ट में. अंडरस्टैंड? अब ये देखें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूले से ये एक्सपेंड हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए ये है एक्स और बी आपके पास क्या है वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर है. इसकी जगह हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है. और नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड. अंडरस्टैंड? और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहा लास्ट में. अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट ब्रैकेट हो गया. सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड. सेकेंड ब्रैकेट प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड लास्ट में ऐसे. अब दो टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म में ये दोनों ब्रैकेट्स आ रहे हैं, सेकेंड टर्म में एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है. तो हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. हमने कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया और यहां रहा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या चला, कॉमन सब चला गया तो क्या रह गया वन. अंडरस्टैंड? यही आपका आंसर है. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन पूरा सॉल्व इसीलिए मैंने किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. यही आपका फाइनल आंसर है.